नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। और ऑडियो गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि एक अच्छा सिस्टम लगाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि स्पीकर्स विजिबल ना हों, मतलब कि आप जो स्पीकर्स इंस्टॉल कर रहे हो वो स्पीकर्स किसी को नज़र ही ना आए। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए खास तौर पर मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप समझ गए होंगे, हम बात करने जा रहे हैं इनवॉल्व स्पीकर्स की, जो कि एक काफ़ी कम कॉस्ट पर तो आपको मिलते ही हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप पैसा कम खर्च रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी या एक अच्छे फीचर्स नहीं मिलेंगे, किसी भी तरह की कमी यानी कि मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टागा हारमोनी के TWC880 इनवॉल्व स्पीकर्स की। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन्हें अनबॉक्स करेंगे, इनकी लुक देखेंगे, इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे और जो भी जानकारी मुझे लगेगा कि आप लोगों को बतानी ज़रूरी है वो इस वीडियो के अंदर मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात नो बकवास। तो सबसे पहले हम एक बार बॉक्स पर दी गई कुछ जानकारी पर नज़र मारते हैं, उसके बाद उसे अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके के बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं, प्योर वाइट कलर का बॉक्स है। यहाँ आप देख सकते हैं आगे टागा की ब्रांडिंग दी गई है, नीचे इसका मॉडल नंबर दिया गया है जो कि है TCW880। और बॉक्स के ऊपर ऐसी कोई बहुत ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, कुछ छोटी मोटी स्पेसिफिकेशन बताई गई हैं, वो हम आगे जाके क्लियर करेंगे। तो मैं इसे जल्दी से अनबॉक्स करता हूँ और देखते हैं कि स्पीकर्स हमें कैसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, सबसे ऊपर की तरफ ही हमें मिलता है ये एक टागा हारमोनी का बुकलेट एंड इसका मैनुअल, जिसे आप इसे इंस्टॉल करते समय पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एंड इसके ऊपर हमें एक कार्डबोर्ड दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये कार्डबोर्ड में एक्चुअली में हमें कटिंग साइज बताया गया है, जब आप इसे इंस्टॉल करने के लिए कटिंग करवाएंगे तो आपको स्पीकर को लगाकर नापने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इस कार्डबोर्ड को लगाइए और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमें कितना एरिया है जो काटना है इन स्पीकर को इंस्टॉल करने के लिए। तो इसी के अंदर एक और बॉक्स दिया गया है जिसे मैं खोलकर आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहां पर सबसे ऊपर की तरफ हमें मिलती है एक ग्रिल, इसकी व्हाइट कलर की ग्रिल है। एंड ये जो ग्रिल है फ्रेंड्स, ये पेंटेबल है। आप अपनी वॉल्स पे कोई भी पेंट करवा रहे हैं तो आप इस ग्रिल को इंस्टॉल करने के बाद में वही पेंट इस ग्रिल के ऊपर भी करा सकते हैं, जिससे कि ये आपकी वॉल्स के साथ में मैच हो जाएगा और देखने में बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई स्पीकर इंस्टॉल हुआ हुआ है। और काफ़ी अच्छी ग्रिल इसमें दी गई है। एंड इस प्राइस के अंदर मैंने अभी तक नहीं देखा कि मैग्नेटिक ग्रिल कोई कंपनी दे रही है। इसके बाद में हमें मिलता है हमारा मेन यूनिट जो कि है हमारा स्पीकर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है स्पीकर हमें जो दिया गया है, टू वे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। एक हमें मिडबास ड्राइवर दिया गया है, एक हमें ट्वीटर दिया गया है। इस पैकेज के अंदर हमें दो स्पीकर्स मिलते हैं, बट एक अभी बॉक्स में ही मैं रहने दूंगा क्योंकि दोनों को इकट्ठा निकाल कर संभालना मुश्किल है, क्योंकि इनको मैं इस तरीके से खड़ा नहीं कर सकता, मुझे पकड़ कर ही रखना पड़ेगा इनको। तो हम जो भी बात कर दी है एक के साथ ही कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके की हमें लुक दी गई है इन स्पीकर्स की। एंड फ्रेंड्स, एक बात अगर मैं सीरियसली बताऊँ ना आपको, अगर मुझे कोई ना बताए ना कि ये स्पीकर्स टागा हारमोनी के हैं तो यकीन मानना मैं खुद भी जज नहीं कर पाऊंगा कि ये स्पीकर सच में टागा हारमोनी के हैं। मतलब इनकी जो फिनिशिंग है, जो लुक है ना इनकी, वो इस तरीके की है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा हाई एंड कंपनीज हैं। आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये ट्वीटर दिया गया है, 1 इंच का ट्वीटर है इसके अंदर, जो कि एल्यूमिनियम डोम में दिया गया है हमें। और इस प्राइस रेंज में एल्यूमिनियम डोम में ट्वीटर नहीं दिया जाता। ट्विटर चलो बेशक मैं मानता हूँ कि शायद 1% कहीं आपको सस्ते स्पीकर्स में भी मिल जाए, बट यहाँ पर जो 8 इंच का ड्राइवर हमें दिया गया है, इसका सराउंड जो है वो हमें रबर में ही दिया गया है। एंड यहाँ आप जो कोन देख रहे हैं ना, ये जो कोन है ना, इसे कैवलर कोन बोला जाता है। एक जगह पढ़ा था मैंने, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, कि जो जैकेट होती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, उन जैकेट्स को बनाने के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है, वही मटेरियल इन कोन्स को बनाने में यूज़ होता है। जो हाई एंड कंपनीज़ हैं, जैसा कि BMW है, वारफेडल है, इस टाइप की जो कंपनीज़ हैं, ये कैवलर कोन यूज़ करती हैं अपने स्पीकर्स के अंदर, बट वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इस बजट के अंदर कैवलर कोन में हमें ये स्पीकर दिया गया है, जो कि सच में काफ़ी आश्चर्य वाली बात है मेरे लिए भी। एंड डस्ट कैप तो नॉर्मली हमें दी गई है और फिनिशिंग तो जैसा मैंने आपको बताया, मुझे सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर हम इसकी ग्रिल की बात कर रहे थे, जैसा कि मैग्नेटिक ग्रिल मैंने आपको बताया दी गई है, तो एक बार इसकी ग्रिल को मैं लगाकर भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर हमें ये ग्रिल है, तो इस तरीके से मैं इसको लगा देता हूँ ग्रिल को, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ये ग्रिल इसकी फिक्स हो गई यहाँ पर। इसके ऊपर आप पेंट कर देंगे, तो आप जो भी दीवार पे पेंट कर रहे हैं वही पेंट इस पे कर देंगे तो वो एक जैसा हो जाएगा बिल्कुल, कि नज़र भी आना बंद हो जाएगा। आगे की तरफ पूरे पैनल पे रबर की कोटिंग की गई है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रबर का एक टेक्सचर सा मतलब आ रहा है जब आप इसे छू कर भी देखते हैं। तो अभी एक बार बैक साइड की तरफ और देखते हैं, फिर इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी बैक साइड है, यहाँ हमें जो ड्राइवर दिया गया है उसके पीछे भी इसको कवर किया गया है मैग्नेट को। यहाँ पर हमें एक क्रॉसओवर दिया गया, क्रॉसओवर का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल बना हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला नहीं है इसमें कुछ भी ऐसा। और जो ट्विटर है वो इसी के आगे की तरफ ही लगाया गया है, तो ट्विटर को पीछे से अगर हम देखना चाहते हैं तो वो नज़र नहीं आ रहा है बट। और ये हमारे टर्मिनल्स दिए गए हैं जो आपके एम्पलीफायर से कनेक्ट होगा, ये तो यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड हमें टर्मिनल्स दिए गए हैं। एंड फ्रेंड यहाँ एक चीज़ मैं आपको बतानी और भूल गया, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको कि इसका जो ट्विटर है वो एंगल्ड है, तो आप इसको नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, दाएं बाएं, यहाँ वहाँ कहीं भी करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। मतलब ये जो ऑप्शन है ये इंस्टॉलेशन के टाइम पर काफ़ी काम आने वाली चीज़ होती है। तो एक बार अभी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, उसके बाद इसको चलाकर और देखेंगे। तो स्पेसिफिकेशन की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले वाटेज आता है, यानी कि पावर हैंडलिंग की बात आ जाती है। तो मैक्सिमम 160 वॉट्स की पावर हैंडलिंग इसमें दी गई है और 120 वॉट आरएमएस में पावर हैंडलिंग दी गई है, जो कि काफी ज्यादा है। 120 वॉट की पावर हैंडलिंग यकीनन कम नहीं होती। एंड फ्रेंड्स 8 ओम्स की इंपीडेंस है, तो आप इसे किसी भी एवीआर या किसी भी एम्पलीफायर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि 8 ओम्स के स्पीकर हर एक एम्पलीफायर या हर एक एवीआर पर काम करते हैं बिना किसी रुकावट के। एंड फ्रेंड 90 डीबी की लाउडनेस के साथ साथ हमें मिल जाता है 35 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। नॉर्मली 35 हर्ट्ज़ अगर ये डाउन जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो लो फ्रिक्वेंसी है वो भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। एंड 90 डीबी की लाउडनेस दी गई है, तो लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो अगर आपके एवीआर या आपके एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा पावर आउटपुट नहीं भी है तब भी ये स्पीकर्स आपके एवीआर या एम्पलीफायर के लिए काफ़ी सही रहेंगे। 8 इंचज़ का ड्राइवर दिया गया है कैवेलर कॉन के साथ, 1 इंचज़ का ट्विटर दिया गया है एल्यूमिनियम डोम के साथ। एंड फ्रेंड इन स्पीकर्स को आप 2 चैनल सेटअप पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक होम थिएटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप उन्हें होम थिएटर पर भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटर स्पीकर के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आप यूज़ करना चाहो इन स्पीकर्स को आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड स्पेसिफिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बातचीत तो नहीं है, तो एक बार इन्हें ट्राई कर कर देखते हैं। बट चलाने से पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी स्पीकर जब तक पीछे से कवर नहीं होता है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो ये स्पीकर की परफॉर्मेंस एक्चुअल तभी पता लगेगी हमें जब ये वॉल में लग जाएंगे या फिर ऐसी कोई कैबिनेट हो जिस पे कि इनको लगाया जा सकता हो। तो अभी जब हम इसे चलाकर देखेंगे तो मुझे लगता तो नहीं कि प्रॉपरली इसकी परफॉर्मेंस का हमें पता लग पाएगा, फिर भी एक अंदाज़ा जो उनसे है वो ज़रूर लगेगा, और मुझे अंदाज़ा लगाना बहुत अच्छे से आता है। तो मैं सुनने के बाद मैं आपको खुद बता ही दूंगा। इसके डेमो के लिए इसको पकड़ कर रखना पड़ेगा तभी इसका डेमो हो पाएगा, नहीं तो इसका डेमो भी नहीं हो पाएगा। समझ में भी आएगा। मैं हूँ देव और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड टूटू और हम दोनों हरामी हैं। सीनियर शूटर देव,
बढ़िया शूटर टूटू। वैसे आप लोग करते क्या? हम लोग मार किटिंग किटिंग बॉस टारगेट देता है और हम टारगेट पूरे करते हैं। आजियो भाई रौंडिया बड़ी प्यारी है। अबे दूरबीन में से ही मप्पी लेगा क्या? I love bullet. हमें भी बहुत पसंद है बुलेट, काफी चलाते हैं। लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल देती है उसे क्या कहते हैं बताओ? पुष्पा। पुष्पा यहाँ पर हमने इसकी स्पेसिफिकेशन भी देख ली थी, अभी इसका हमने डेमो भी देख लिया है। तो अभी आपका क्या कहना है इसके डेमो को सुनने के बाद में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जब तक पीछे से कवर नहीं होता तब तक हमें एग्जैक्टली परफॉर्मेंस का पता नहीं लग सकता है। बट फिर भी एक अंदाज़ा जो चीज़ का मुझे मिला है वो ये है कि जैसा कि कंपनी ने मेंशन किया है कि 35 हर्ट्ज तक ये स्पीकर्स डाउन जाते हैं। अगर उसी कंडीशन में हम बात करते हैं तो लो फ्रिक्वेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी मिल रही थी इसके अंदर, हालांकि वो महसूस नहीं हो रही थी बट उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो ड्राइवर की मूवमेंट है उस मूवमेंट से पता लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छी लोगों को हैंडल कर सकता है। बट यहाँ पर अभी वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया उसमें इतना प्रॉपरली पता नहीं लग रहा था बिकॉज वो पीछे से ओपन है इस वजह से। बट फिर भी काफ़ी अंदाज़ा इस चीज़ का लग रहा था कि वो लो फ्रिक्वेंसी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर रहा था। एंड अगर यहाँ हाइज़ की बात करते हैं तो हाइज़ काफ़ी ठीक आ रही थी, क्रिस्पी थी एंड जो क्वालिटी मिलनी चाहिए हाइज़ के अंदर वो क्वालिटी भी प्रॉपर हमें मिल रही थी। अगर यहाँ पर हम वोकल की बात करते हैं तो वोकल भी काफ़ी ठीक आ रहा था इसमें। फायरिंग वाला जैसा कि सीन था उसमें भी काफ़ी अच्छी से परफॉर्मेंस दी है इसने। उसके बाद मैंने कुछ और भी ऑडियोज़ लगा कर देखे इस पर, उसमें भी काफ़ी अच्छा चला है, लो को भी हैंडल ठीक कर रहा था ये। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सही चल रहा था। तो अभी आपको कैसा लगा है, आपको क्या महसूस हुआ है इस डेमो को देखने के बाद में, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप वो सवाल भी ज़रूर पूछिएगा मुझसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर प्राइस की बात भी हम करते हैं तो इसकी MRP है 18,900 रुपीस। और बेस्ट प्राइस लेने के लिए आपको क्या करना है आप लोगों को पता है, आपको इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पर मेरी टीम से आप मैसेज के थ्रू बात कीजिएगा, आपको पॉसिबल बेस्ट प्राइस दिया जाएगा वहां से। एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता है बट आपके एक लाइक की वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा होती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए इस वीडियो में यही था, बाकी फिर से मिलूंगा मैं आपसे नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूंगा और जाते जाते हमेशा की तरह आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।